प्रदेश भाजपा प्रभारी मंगल पांडे ने कांग्रेस द्वारा चलाए गए कार्यक्रम जवाब दे सांसद हिसाब दे सांसद को लेकर कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में केवल भ्रष्टाचार व माफिया राज को बढ़ावा दिया है, अब किस मुंह से भाजपा सांसदों से हिसाब मांगे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है, जिस तरीके से यहां की सरकार को इन्होंने भ्रष्टाचारियों के हाथों में कर दिया था, किस तरीके से यहां की सरकार को माफियों के हवाले कर दिया था और टायर्ड और रिटायर्ड लोगों के हवाले कर दिया था, अब इनके पास कोई जवाब नहीं है और जनता ने इनको पूरे तरीके से सत्ता से बाहर किया है, तो बिना मुद्दे के मुद्दा तलाश रहे हैं। प्रभारी ने कहा कि हिमाचल की जनता देख रही है कि यहां के सांसदों में कितना विकास करवाया है और कितनी योजनाएं केंद्र सरकार से लाई हैं और उसके लिए कितनी राशि की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि किस प्रकार से प्रदेश में 64 नेशनल हाईवे हिमाचल के पर्यटन का विकास की दिशा में एक नया मोड़ दिया है, या फिर ऊना हो या फिर बिलासपुर के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हमारे सांसदों ने संकेतिक रूप से हिमाचल का विकास करने का काम किया है, आगे अभी कई योजनाएं हैं जिन्हें जमीन पर उतारने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हम हिमाचल की जनता को बार बार जवाब दे रहे हैं और कांग्रेस को हम बताना चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री पिछले 1 साल में 5 बार प्रदेश में आकर बता चुके हैं कि उन्होंने प्रदेश की जनता को पिछले 3.5 सालों में क्या दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का प्रधानमंत्री ने कितनी बार हिमाचल की जनता को हिमाचल में आकर जवाब दिया है। इसके अलावा समय समय पर हमारे सांसदों और मंत्रियों ने भी हिमाचल की जनता को जवाब दिया है। पांडे ने कहा कि कांग्रेस हमसे क्या हिसाब मांगेंगे। कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है, जिस तरीके से इन लोगों ने भ्रष्टाचारियों के हवाले यहाँ की राज्य सरकार को कर दिया था, जिस तरीके से यहाँ माफियाओं के हवाले इन लोगों ने कर दिया था, टायर्ड रिटायर्ड लोगों के हवाले कर दिया था, अब इनके पास कोई जवाब नहीं और जनता ने अभी इतनी बुरी तरीके से इनको सत्ता से बाहर किया है, तो अब बिना मुद्दा का मुद्दा तलाश रहे हैं। हिमाचल की जनता देख रही है कि यहाँ के सांसदों ने किस प्रकार से हिमाचल के एक एक जिले के विकास के लिए केंद्र से योजनाओं को लाया है, उसके लिए राशि की व्यवस्था करवाई है, किस प्रकार से इस पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर 64 एनएच लाके हिमाचल के पूरे पर्यटन और विकास की दिशा को एक नया मोड़ दिया है, किस प्रकार से ऊना के अंदर चाहे हो या फिर बिलासपुर के अंदर हो, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए हमने काम किया है, सिरमौर जिले के अंदर चाहे वह शिक्षा प्रबंधन की पढ़ाई का हो, तो हर तरफ समेकित रूप से हिमाचल प्रदेश के विकास का काम हमारे सांसदों ने किया है। आगे अभी कई योजनाएं हैं जिनको जमीन पर उतारने वाले हैं, तो हिमाचल की जनता को हम बार बार जवाब दे रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के लोगों को बताना चाहेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री पिछले 1 साल में हिमाचल प्रदेश में 5 बार आके बता के गए हैं कि हिमाचल को उन्होंने पिछले 3.5 वर्षों में क्या दिया। कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री कभी हिमाचल की जनता के बीच आके जवाब देता था क्या कि 5 साल में एक बार भी कि हिमाचल की जनता के लिए क्या किया है? और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 1 साल में 5 बार हिमाचल की जनता को आके हिसाब दिया है। हमारे केंद्रीय मंत्री लगातार आते हैं, जिन मंत्रियों के विभाग के काम होते हैं वो मंत्री आके अपने कामों को दिखाते हैं, तो ये तो सब सांसद के प्रयास से ही होता है। तो हमारे सांसद के सामूहिक प्रयास से जो हिमाचल का विकास हुआ है उसे हिमाचल की जनता देख रही है। इन कांग्रेसियों को तो कोई मुद्दा बचा नहीं है, तो ये तो आपस में लड़ाई झगड़ा करने में लगा रहते हैं।